कहते जी खावंद अपनी बीवी का नाम लेके पुकार सकता है, पुकार सकता है, क्यों नहीं पुकार सकता, लेकिन लोगों के आगे ना पुकारा करें, क्योंकि लोग नाम से गलत फायदे उठाते हैं, स्कैंडल बन जाते हैं। इसलिए हुक्म होता है कि आदमी खुद तो पुकार सकता है, जायज़ है, लेकिन लोगों के सामने ना पुकारे। बैतुल्लाह में नज़र की हिफाजत न हो तो गुनाह होगा, बिल्कुल गुनाह होगा, बल्कि अल्लाह माफ़ करे बर्बादी होगी। ये जो कुरैश मक्का के दो बुत थे ना, एक का नाम था इसाफ और एक का नाम था नाइला, ये एक मर्द और औरत थे, नऊज़ु बिल्लाह काबे में दाखिल हुए और काबे के अंदर ज़िना किया। नतीजा ये निकला कि अल्लाह के अजाब ने फौरन पकड़ लिया और दोनों पत्थर बन गए। वो कुछ अरसा तो इबरत के लिए रखे रहे कि लोग इबरत पकड़ें, लेकिन बाद में काफ़िर ने उनको भी खुदा बना दिया, एक को सफा पे रख लिया, एक को मरवा पे रख लिया। वालिदैन ने जायदाद में से बेटियों का हक नहीं दिया, नहीं दिया तो क़यामत में देंगे इंशाअल्लाह। जैसे बेटों का हक है, बेटियों का भी हक है, अगर नहीं दिया है तो अपनी बेटियों की वजह से नऊज़ु बिल्लाह कब्र में भी पकड़ा जाएगा और आखिर में पकड़ा। मेरा दो पल्ले मरले का प्लाट है, ज़ाती मकान भी नहीं, हाथ भी तंग है। मेरा भाई, अगर ये प्लाट तुमने बेचने के लिए ख़रीदा है तो फिर तो हर साल मार्केट वैल्यू कीमत लगा के ज़कात देनी है। तुमने अपने घर बनाने के लिए ख़रीदा है तो कोई ज़कात नहीं। हम एक कमरे में चार आदमी रहते हैं, एक उनमें गैर मुस्लिम, कभी कभी हमारे बिस्तर भी बैठ जाते हैं, कोई बात है। मैं एक कंपनी में पानी की गाड़ी चलाता हूं, जहां से पानी भरता हूं वहां से मुझे 30 रियाल पर मिलते हैं, और जहां मैं पानी देता हूं वो पर्ची पर 30 रियाल लिखकर देते हैं, फिर वो शख्स 5 रियाल मुझे वापस देता है कि ये आपके, अगर वो आपको खुशी से देता है तो कोई हर्ज नहीं। घुटनों में दर्द रहता है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। कल मदीने से वापसी हुई, बीवी ने मीकात से अहराम बांधा है, अय्याम शुरू हो गए, अभी होटल में हैं। बहरहाल जब पाक हो जाए गुस्ल करके उमरा करें, और अगर जाने का वक्त आ जाए तो न जाओ, सीट पीछे करा लो। 15 साल से एक आयल कंपनी में मुलाजमत करता रहा, किसी टेक्निकल वजूहात पर मुझे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, अब बेरोजगार हूँ। बहरहाल इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ो और हसबुनल्लाह व निमल वकील। दम पड़ जाए रोज़े नहीं रखे जा सकते, रोज़े होते हैं हज की बकरियों, किरान की या तमत्तों की। मैंने दुबई से राम बांधा नीयत की तो नफल पड़े, मक्का होटल आया तो बदन से पसीने की बदबू आ रही थी, ए राम खोल के मैंने गुसल कर लिया बगैर साबुन के, कोई बात नहीं।